आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा बन गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई के बाद राजस्थान की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस नाते से कांग्रेस पार्टी की जो सियासी मुश्किलें हैं वो तो बढ़ना बिल्कुल तय था, लेकिन अब क्या उनके अध्यक्ष पद पर भी मामला जो है आ फंसा है? क्योंकि अगर वो इस तरीके से मामले में उलझे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के लिए वो रणनीतियां नहीं बना पाएंगे, और ऐसे में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे राजस्थान में एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है? हालांकि कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के वो बयान आपको याद होंगे, जब उनके घर पर जो है छापेमारी की गई थी उस समय बिल्कुल उनके समर्थन में थे, लेकिन अब क्या मन में एक बदलाव सा आ रहा है और क्या इस वजह से ही ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष अब बदला जा सकता है? सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द फैसला आएगा, लेकिन उस समय पवन खेड़ा ने जब ईडी की कार्रवाई पर अपने पक्ष को रखा था वो भी आपको सुनना चाहिए एक बार। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा बन गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने AICC में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, CBI को राजस्थान में छोड़ दिया। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं है, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। तो आपने सुना दर्शकों, पवन खेड़ा ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी तरीके से जो है दोषी है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तमाम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब देखते हैं कि राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा के पद के पर जो है क्या फैसला लिया जाता है और किस तरीके से राजस्थान कांग्रेस जो है इस चुनाव को जीतती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।